Hi friends, welcome back to Bhart's Kitchen. A very happy new year to you all. I hope you all are well. और ये आप फेस्टिव सीजन भी आपका बहुत अच्छा किया होगा, आपने बहुत सारे पकौड़े सकौड़े तो खाए होंगे, आपने तो ये पचा ली, बट क्या आपको पता है कि आपकी बॉडी में कितने टॉक्सिन जमा होगी इसकी वजह से। तो आइए चलिए आज इन टॉक्सिन्स को बाहर निकाल फेंकते हैं और मेरे साथ बनाइए डिटॉक्स सैलेड और उसको खाइए और टॉक्सिन्स को भगाइए। वेट लॉस डिटॉक्स सैलेड बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे ब्रोकली। ब्रोकली को छोटे छोटे फ्लोरेट्स में कट कर देंगे और इसका ये जो नीचे का डंठल है जिसको स्टॉक बोलते हैं, इसको हम गार्निश में यूज़ करेंगे। ये को है हमारा कुकुम्बर, कैरेट एंड बीन्स। अब मैं आपको दिखाऊंगा अपने बीन्स स्प्राउट जो कि चना दाल के बनाए हैं। ये बीन्स स्प्राउट दो दिन पहले मैंने सोख किए थे और फिर नेक्स्ट डे इसको गीले कपड़े में बांध के हैंग कर दिया था, तो हमारे बीन्स स्प्राउट रेडी हो चुके हैं। अब हम कुकुम्बर को ऐसे पीलर से पील करते हुए से रिबन्स बनाएंगे। ऐसा पूरा कुकुम्बर के ऐसे रिबन्स बना के रख लेंगे। कैरेट की भी हम सेम ऐसे ही रिबन्स बनाएंगे। अब हमारे कैरेट के रिबन्स भी तैयार हो चुके हैं। अब जो हमारी बीन्स है इसको हम डायमंड शेप में ऐसे कट कर देंगे। और जो ये हमारे बचे हुए कुकुम्बर और कैरेट हैं इसको हम छोटे छोटे डाइस में कट कर देंगे। तो अब हमारे पास अलग अलग कटिंग की वेजिटेबल्स हो गई। अब हम इस ब्रोकली का जो स्टॉक है नीचे का, इसका हम गार्निश कट करेंगे। ऐसे लंबे लंबे जूलियंस में कट कर दिया है तो इसका भी यूज़ हो गया है, अदरवाइज हम इसको फेंक देते हैं। अभी हम सैलेड की ड्रेसिंग बनाते हैं। ये हमारा ग्रीन मस्टर्ड और ऑर्गेनिक एप्पल साइडर विनेगर, आप कोई भी विनेगर ले सकते हैं बट एप्पल साइडर थोड़ा हेल्दी रहता है इसलिए मैंने एप्पल साइडर विनेगर लिया है। ये हमारा एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर। तो हम एक क्लीन बोल लेंगे और इसमें डालेंगे हम अपना मस्टर्ड। मस्टर्ड में विनेगर को मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और फिर इसका इमल्शन बनाने के लिए धीरे धीरे इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप ऑयल डालेंगे ताकि ये स्प्लिट ना हो और अच्छे से मिक्स हो जाए। इससे जो हमारी ड्रेसिंग रहती है तो ड्रेसिंग में पूरा सीजनिंग का टेस्ट आता है, ये स्प्लिट नहीं होती है, नहीं तो ऑयल एक साइड चले जाता है और पूरा विनेगर दूसरे साइड चले जाता है, इससे हमारा ड्रेसिंग ख़राब हो जाती है और सैलेड का बराबर टेस्ट नहीं आ पाता है। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिए, जब भी आप कोई भी ड्रेसिंग बनाए ऑयल को धीरे धीरे डालिए। अभी अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब हम इसको सीजन कर लेते हैं। ये हमारा सॉल्ट, सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं एंड ब्लैक पेपर, ये भी अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज जो रेसिपी में है आप वो भी फॉलो कर सकते हैं। मैं यहाँ पर हनी यूज़ कर रहा हूँ, ये ऑप्शनल है, आप यूज़ कर भी सकते हैं। अगर आपको कोई शुगर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं।
तो बस अब हमारी ड्रेसिंग एकदम रेडी हो चुकी है और वेजिटेबल्स भी हमने सारी कट कर ली थी। अब कुछ वेजिटेबल्स हैं जैसे बीन्स एंड ब्रोकली, हमें इनको थोड़ा सा लाइट बॉईल करना चाहिए ताकि थोड़ी सॉफ्ट हो जाएं, तो इसको हम ब्लांच कहते हैं। जो तो अब हमारा बॉइलिंग वाटर एकदम रेडी है। अब इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल देते हैं। सॉल्ट से क्या होता है, वाटर का टेम्परेचर और भी हाई हो जाता है और वेजिटेबल्स जो रहती हैं वो जल्दी कुक होती हैं और अपना कलर भी रिटेन करके रखती हैं। तो इससे हमारी जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स हैं सारी वो ग्रीन ही रहती हैं, जल्दी डिसकलर नहीं होती हैं क्योंकि बहुत हाई टेम्परेचर पर कुक होती हैं। और फिर उसको हम डायरेक्ट आइस वाटर में डाल देंगे ताकि इसका कलर फेड ना हो। तो आप ये टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, हाउ टू रिटेन द कलर ऑफ द वेजिटेबल्स। तो ये बीन्स हमारी तैयार हो गई। और ये हमारी ब्रोकली, ब्रोकली को भी ऐसे ही हम 1.5 से 2 मिनट तक बॉईल करेंगे। आप अपने टेक्सचर के हिसाब से चेक कर सकते हैं आपको कितना कुक चाहिए, अदरवाइज़ ब्रोकली तो बहुत शॉर्ट कुक करनी चाहिए, ये बहुत सॉफ्ट रहती है, कॉलीफ्लावर से ज़्यादा सॉफ्ट होती है। तो बस ये भी हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम बनाएंगे सैलेड। तो सैलेड मिक्स करने के लिए सबसे पहले हमने ब्रोकली डाला, ब्रोकली को ड्रेसिंग के साथ अच्छे से मिक्स किया और कैरेट कुक करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, कैरेट रॉ ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो हमारी कैरेट, कुकुम्बर एंड बीन स्प्राउट, अब हम इन सब को मिक्स कर लेंगे। तो ये फुल्ली डिटॉक्स सैलेड रेडी हो चुका है। ये बहुत इजी है बनाने के लिए एंड फिनिशिंग हम करेंगे 1 स्मॉल पीस ऑफ लाइम स्लाइस। इससे थोड़ा ज़्यादा फ्रेशनेस आती है सैलेड में और टेस्ट भी बहुत बूस्ट हो जाता है। अब हम इसको प्लेट करेंगे। एक सुंदर सी प्लेट लें और कोई भी आपके पास लेटेस है, मैं यहाँ पर रोका लिप्स यूज़ कर रहा हूँ, आप कोई भी दूसरा लेटेस ले सकते हैं, नहीं भी है तो डायरेक्ट प्लेट में अरेंज कर सकते हैं। और देखिए ऐसे अपना सैलेड तैयार कर सकते हैं। तो देखिए कितना इजी सैलेड है, आप अपने घर में बना सकते हैं, अपने फ्रेंड्स फैमिली को खिला सकते हैं, वो भी इम्प्रेस हो जाएंगे। और जो हमारे ये रिबन्स थे कैरेट एंड कुकुम्बर को, इसको हम अभी गार्निश में यूज़ करेंगे। तो ये हमारे एकदम अच्छे से प्रेजेंट हो चुका है हमारा सैलेड, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। आप भी अपने घर में ऐसे ट्राई कीजिए तो आप ऐसे अपना सैलेड को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो बस आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिए एंड अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप कोई भी रेसिपी जानना चाहते हैं या फिर अपना सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।